गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे भक्तिन के बारे में। भक्तिन ने जब महादेवी के जीवन में प्रवेश किया, ग्रामीण क्षेत्र के जीवन के हमने उसके अध्याय देखे, उसके जीवन का परिच्छेद देखा। महादेवी के जीवन में प्रवेश करने के उपरांत उस भक्तिन के प्रभाव से महादेवी के जीवन में क्या क्या परिवर्तन उपस्थित हुए, वो भक्तिन महादेवी के जीवन में प्रवेश करके कैसे उसके जीवन में अधिकारी बन बैठी, उसके चौके में कैसे वो कोयले की लाइन खींचकर किसी को आने नहीं देती थी, ये सब देख कर के महादेवी को लगने लगा कि भक्तिन जैसे सेवक का साथ बड़ी टेढ़ी खीर है। आगे देखिए पृष्ठ संख्या 75 का द्वितीय पैराग्राफ। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से, आत्मतुष्टि यानी संतुष्टि के भाव से, आप्लावित यानी भरी हुई मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में एक अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार चार रोटियां रखकर उसे टेढ़ी करके गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारापात करते हुए, तुषारापात यानी व्यंग्य करते हुए रुआ से भाव से मैंने कहा कि ये क्या बनाया है, तो वो हतबुद्धि होकर के रह गई। हतबुद्धि यानी आश्चर्यचकित होकर के रह गई। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि भक्तिन को ग्रामीण क्षेत्र में उसके परिवार के द्वारा बहुत अच्छा पाक कला का या भोजन बनाने का शास्त्री माना जाता था, परंतु महादेवी के जीवन में ये बातें उसके लिए जो प्रदर्शित की जा रही थी भक्तिन के द्वारा, महादेवी के लिए उचित नहीं थी। क्योंकि महादेवी स्वयं भी पाक कला में यानी भोजन बना के करने की कला में निपुण थी। तब उसके टोकते ही भक्तिन बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। उसके पश्चात देखिए, अब उसके पास मैंने बताया था कि भक्तिन के चरित्र की विशेषता है तर्क वितर्क करने में निपुण, दूसरों को अपनी बातों के अधिकार क्षेत्र में ले लेने की एक ताकत उसके भीतर थी। तो उसने क्या कहा कि रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई है पर अच्छी है, तरकारियां तो थी पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम, शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी, तरकारी अर्थात सब्जी, और दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब आप देखो, उसको अच्छा नहीं लग रहा, घर वालों को अच्छा लगेगा, घर वालों को तो भोजन में डालना चाहिए था ना, परंतु वो अपनी इच्छा के अनुसार वहाँ पर कार्य कर रही है, वो किसी के सुनती नहीं है, नहीं तो सब ठीक हो जाता, अब ना हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जाए। मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो भोजन था, वो भोजन यहाँ पर वो पूरी तरह से महादेवी के जीवन में प्रवेश करवाने को तैयार हो चुके। उससे भी काम न चले तो गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी, और क्या, शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं, कलाबत्तू जिसे आप विशेष कहते हो, स्पेशल कहते हो, उसे कहा जाता है कलाबत्तू। फिर वह कुछ अनाड़ी या फुहड़ नहीं है, उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए, पाक कुशलता अर्थात भोजन बनाने की कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र उस भक्तिन को दे डाले हैं। अब भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण, बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण, रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंच गई, और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करने लगी। अब अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया था कि उपचार का तो प्रश्न ही खो गया, क्योंकि भक्तिन मनमर्जी करने लगी थी और डॉक्टरों के द्वारा बताई गई डाइट उसे ग्रहण करना असंभव सा हो गया था। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। मतलब इसको भी वो बातें बुरी नहीं लग रही थी, और सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात हो गई। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका था कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं था।
इसलिए आज मैं अधिक देहाती हूँ। क्यों? क्योंकि उसकी जीवन शैली में जो शहरी बनता वो किसके कारण बदल गया था? भक्तिन के कारण बदल गया था, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सोंधा लगता है, छाछ का जो मट्ठा होता है उससे अच्छा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पोहे गरम कम अच्छे लगते हैं, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के व्यंजन है पूरे। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दाने की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद मवे की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है आदि वो मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सका। पोपला मुंह जिसमें से दांत खत्म हो चुके होते हैं। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने, तह करना यानी घड़ी करने के बहाने सिलवटों से भर देती है। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी है। दंत कथाएं जानते हो, जो प्राचीन समय से चली आ रही होती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती रहती है या ट्रांसफ़र होती रहती है, पर पुकारने पर वो आए के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती। क्यों? क्योंकि वो अपनी भाषा शैली को बदलना नहीं चाहती। अब अगला पैराग्राफ महत्वपूर्ण है, आपका प्रश्न का उत्तर भी बनता है। भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं है, वो वाला प्रश्न आपका यहाँ पर है। तो भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है, मतलब दुर्गुण तो विद्यमान है लेकिन वो उनको दुर्गुण नहीं मानती। जैसे अभी हमने पढ़ा कि वो जी कहना नहीं सीख सकी, आए आज भी कहती है, वो शहर के आधार पर जीवन नहीं जी पाई परंतु ग्रामीण जीवन के अनुसार दूसरों को परिवर्तित करना चाहती है, तर्क वितर्क करना आदि बहुत सारे अवगुण हैं उसके जो दूसरों के यहाँ नौकरी करते समय नहीं चल सकते। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो व कुंजरों व कहने में विश्वास भी नहीं करती। ध्यान रखना यहाँ पर नरो व कुंजरों व जो स्टेटमेंट है या जो कथन दिया गया है ये हमारे महाभारत का कथन है। जब आपको पता हो कि अश्वत्थामा को मारने की बात आई थी तो द्रोणाचार्य को पराजित करने के लिए, उनका वध करने के लिए युधिष्ठर के मुख से ये कथन कहलवाया गया था, क्योंकि युधिष्ठर स्वयं धर्मराज थे, उनके कथन पर सबको विश्वास था। तो चालाकी से ये कथन कहलाया गया, जबकि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मारा नहीं गया था परंतु युधिष्ठर से मुख से कहलाया, तो द्रोणाचार्य को लगा कि युधिष्ठर ने सत्य बात कही है। वास्तव में मरने वाला कौन था? भीम की गदा से मरने वाला तो अश्वत्थामा नाम का हाथी था। तब युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, कि अश्वत्थामा मारा गया नरो वा कुंजरो वा, कि वो मनुष्य या कुंजर, इस बात का उसे ज्ञान नहीं है, जबकि उसे ज्ञान था। तो यहाँ पर देखिए, नरों को तो उसने बहुत तेज आवाज़ में बोला और कुंजर को धीरे आवाज़ में बोला, तो युद्ध के कोलाहल में नरों तो सुनाई दिया परंतु कुंजर सुनाई नहीं दिया। तब द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र नीचे रख दिए थे, तो इसलिए यहाँ पर नरों व कुंजरों व कहने में भी विश्वास नहीं करती, मतलब उसे पता है फिर भी वो सच्चाई कहना नहीं चाहती। मेरे इधर उधर पड़े रुपए पैसे भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतरहित हो जाते हैं यह रहस्य विभक्ति जानती। जबकि हमारे यह कहा जाता है कि किसी के पड़े हुए गिरे हुए पैसों को उठाना चोरी मानी जाती है, परंतु भक्तिन बिना बताए क्या करती है? चोरी तो नहीं करती परंतु उनको उठा करके एक घड़े में डाल देती है। पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वो उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, जबकि वो स्वयं क्या थी? अनपढ़ थी, परंतु उसे ऐसा लगता है कि जीवन के अनुभव जो उसके शास्त्र बन चुके हैं उसके आगे वो किसी को भी पराजित कर सकती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए भी संभव नहीं है। यह उसका अपना घर ठहरा, मतलब मालकिन नहीं थी लेकिन वो उस घर की एक तरह से अपने आप को क्या मानने लगी थी? मालकिन मानने लगी थी और उसे अपना घर मानने लगी थी। इसलिए क्या कहती है कि पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा हुआ देखा संभाल कर रख लिया, ये क्या चोरी है? अर्थात वह इसे चोरी नहीं मानती थी। उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना था केवल, मतलब कि मालिक कैसे भी खुश रहे ये काम उसका था। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? मतलब केवल एक बात यहाँ पर जो मालिक को प्रसन्नता देने वाली है, क्या उसके लिए सच बोलना पड़े या झूठ बोलना पड़े, बात को घुमा फिरा करके कहना पड़े?
इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा। धर्मराज युधिष्ठिर को भी कहा जाता है और धर्मराज यमराज को भी कहा, यमराज के दूत को भी कहा जाता है। नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते हैं। यहाँ पर यमराज के जो धर्मराज हैं चित्रगुप्त जिनके लिए कहा गया। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे उसका सिर घुटाना, मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया। अकुंठित यानी मतलब उसको क्रोध नहीं है इस चीज़ का, उसको इस बात की हीनता भी नहीं हो रही है। और क्या उत्तर दे रही है कि अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कौतूहलवश मैं पूछी बेटी कि क्या लिखा है, तो तुरंत उत्तर मिला कि तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। कि अगर जो तीर्थयात्रा कर जाता है तो वो सिद्ध बनने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, अपने सिर को मुंडवाना ही पड़ता है। जबकि हमारे यहाँ कबीर ने भी इसका विरोध किया है और कहा है कि केसन कहाँ बिगारिया जो मुंडे सोबार, और मन को क्यों नहीं मुंडिए जामे भरिया विकार। कि व्यक्ति मन को तो नहीं मूंडता लेकिन बालों को बार बार मूंडता है। और कबीर कहते भी हैं कि बार बार के मूंडते भेड़ न बैकुंठ जाए, कि भेड़ के तो बार बार बाल काटे जाते हैं तो क्या उसे बैकुंठ की प्राप्ति हुई, अर्थात नहीं हुई। आदमी को मुक्ति या बैकुंठ की या पुण्य धाम की प्राप्ति कब हो सकती है, जब उसके कर्म पुण्य से युक्त हों। तब भक्तिन से महादेवी ने पूछा कि कौन से शास्त्र का ये रहस्यमय सूत्र है, ये जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। क्यों? क्योंकि भक्तिन को न तो शास्त्र की जानकारी थी, उसने तो सुना और सुने हुए को शास्त्र के नाम से बोल दिया। जब उससे नाम पूछा तो उसने कोई नाम नहीं बताया। अतः मैं हार कर मौन होकर के रह गई। और भक्तिन का चूड़ाकर्म, चूड़ाकर्म है मुंडन का संस्कार यानी बाल उतारने का संस्कार, हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित, दरिद्र यानी गरीब, नापित यानी नाई जो बाल काटने वाला होता है उसे कहा जाता है, दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले उस्त्रे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा यानी संपन्न होता रहा। पर वह मूर्खे यह विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य है। अपने विद्या के अभाव को वो मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके क्या करती है, भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया तब भक्तिन तो बड़े कष्ट में पड़ गई। क्यों? क्योंकि उसे लिखना पढ़ना नहीं आता था, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी और दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी उम्र का, उसकी वयोवृद्धता का, उसकी सीनियरिटी का अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ किया। क्या कहती है, देखिए कि हमारे मालकिन तो रात दिन कितवियन माँ गड़ी रहते, कि मेरी मालकिन तो दिन रात किताबों में लगी रहती है, गड़ी रहती है। अब हम पढ़े लाभक लागभ तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। कि अगर मैं भी पढ़ने लिखने लग गई तो घर गृहस्थी को कौन देखेगा और घर गृहस्थी की कौन सुनेगा। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता यानी धीरे चलने पर, किसी की बुद्धि की मंदता पर यानी बुद्धि की कमजोरी पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसलिए वो बिना पढ़े ही पढ़ने वालों की क्या बन बैठी, गुरु बन बैठी। मैंने बताया था अन अधिकारी होते हुए भी वो अधिकारी बनने की चेष्टा थी। वो अपने ही तर्क ही नहीं तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। पटु यानी निपुण या चालाक है। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वो अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, मतलब अपनी मालकिन को बड़ी स्पेशल बताना चाहती है, विशेष बताना चाहती है। पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज हो ढूंढ आवश्यक होती है। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी तब भक्तिन सबसे कहती हुई घूमी। क्या कह रही है, देखिए वो बिचरियाऊ तो रात दिन काम में झुकी रहती है और तुम पचे घूमती फिरती हो। कि वो बिचारी तो दिन रात किताबों में लगी रहती है और तुम उसके पीछे से क्या करती रहती हो, घूमती फिरती रहती है। चलो तनिक हाथ बटाई लो, कि चलो थोड़ा सा काम में हाथ बटा लो। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, क्योंकि महादेवी का जो लेखन का कार्य था उसमें कोई भी हाथ नहीं बटा सकता था। लेकिन भक्तिन क्या करती थी, उसके सामानों को उठाकर रख देने में, शाही की बोतल को रख देने में, किताबों को जमा देने में ही उसका सहयोग मानती थी।
अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट करके भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियाँ मतलब बड़ी चढ़ी बातें अमर बेल के समान फैलने लगी। अमर बेल आप जानते हो तालाबों में उगी हुई होती है तो जो भूमि को भी बंजर करती है, उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं। इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए जब मालकिन का काम कोई नहीं जानता तो उस मालकिन के कार्य में सहयोग देने की हिम्मत किसी में नहीं होती। बाकी अगली कक्षा में। धन्यवाद।